हेलो दोस्तों, न्यू टेक फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि बड़े साइज़ की इमेज को छोटे साइज में कैसे बदलते हैं मोबाइल का यूज़ करके। तो चलिए शुरू करते हैं। इमेज को रिसाइज़ करने के लिए पहले हमें इमेज कन्वर्टर ऐप की ज़रूरत होगी। आप कोई भी इमेज कन्वर्टर या इमेज कंप्रेसर ऐप यूज़ कर सकते हैं अपने मोबाइल पर, बट मुझे लगा कि ये सबसे बढ़िया बेस्ट इमेज कन्वर्टर या कंप्रेसर है, तो मैंने इसका यूज़ किया है। तो आपको ले चलता हूँ फिर आगे। इसके लिए पहले सबसे जाना होगा हमें प्ले स्टोर पर। यहाँ पर सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे हम इमेज कन्वर्टर। यहाँ पर कई सारे ऐप आपको दिख जाएंगे जो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट कन्वर्टर रिसाइजर जो है इमेज कन्वर्टर ऐप है जो मैंने यूज़ किया हुआ है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इमेज कन्वर्टर तीसरे नंबर पर दिख रहा होगा, इसमें इमेज कन्वर्टर सी एस डेवलपर के थ्रू से। तो यहाँ पर PNG, JPG और JPG फॉर्मेट दिया होगा, इस पर क्लिक करेंगे। मैंने पहले से इंस्टॉल किया तो इसको ओपन करता हूँ फिर मैं अपने मोबाइल पर। इमेज कन्वर्टर ओपन हो चुका है। यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा सिंगल इमेज, मल्टीपल इमेज और रिजल्ट फोल्डर। सिंगल इमेज में आप एक सिंगल इमेज को कंप्रेस कर सकते हैं, मल्टीपल इमेज में कई सारे उस इमेजेस को एक ही साथ में कर सकते हैं कंप्रेस। और रिजल्ट फोल्डर वाले ऑप्शन में आपका जो आउटपुट होगा कंप्रेस करने के बाद या रिसाइज करने के बाद, वो वहाँ पर सेव होगा रिजल्ट फोल्डर में। तो हम सिंगल इमेज कन्वर्ट करके देखते हैं या रिसाइज करके देखते हैं। इसके लिए चलते हैं, हम सिंगल इमेज सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एक मैंने इमेज ले लिया है। यहाँ पर आपको वो इमेज की साइज दिख रही होगी 7.17 MB। ये कंप्रेस होने के बाद अगर 40% कंप्रेस होती है तो 130.6 KB तक जा सकती है। तो आप इसको वेरी कर सकते हो। ये ऊपर वो फॉर्मेट अलग अलग दिए होंगे कि किस फॉर्मेट में आपको इमेज आउटपुट चाहिए। तो यहाँ JPG, PDF, PNG, WEBP और ये बिटमैप इमेज, JPG सारे अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं अपनी यूज़ के या रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और ये दूसरा कंप्रेस लेवल दिख रहा होगा जो 40% कंप्रेस करने के बाद 130 KB तक जाएगा, और इसको वेरी कर सकते हैं आप। इसको यहाँ से स्क्रॉल करके आप देख रहे होंगे कि जहाँ पे जितना भी आप कंप्रेस करना चाहते हो उस हिसाब से इमेज की जो आउटपुट साइज है वो वेरी करेगी। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहे जितना कंप्रेस लेवल बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। और फिर यहाँ पर आउटपुट फाइल का नेम भी डालना होगा, तो आउटपुट फाइल का नेम मैं कुछ डाल देता हूँ, न्यू टेक और यू। ये मेरे चैनल का नाम है, आप सब्सक्राइब जरूर कर लें थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए। और फिर यहाँ पर इसको कंप्रेस लेवल को मैं 50% कर देता हूँ, तो 127.17 MB की इमेज साइज जो है कंप्रेस होने के बाद 121.2 KB में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसके लिए फिर मैं डन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर डन होने के बाद आपका फाइल जो है सेव हो चुका है, और ये पाथ दिखा रहा हुआ स्टोरेज में जाकर इमिलेटेड फाइल इमेज कन्वर्टर में सेव हो चुका है, और इसकी साइज है 121.2 KB। तो इसको अगर ट्रांसफ़र करना चाहता है किसी और फाइल पर भी, तो वो भी ट्रांसफ़र हो सकता है। सेव फाइल टू स्पेसिफिक फोल्डर जाकर सिलेक्ट करना पड़ेगा, और ये ओपन डायरेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और ये किसी एक ऑप्शन में ओपन कर लेता हूँ। ये इसकी आउटपुट फाइल है जो मैंने कंप्रेस की थी मैच 7.17 MB की, और इसकी चल के डिटेल चेक करते हैं कि कितने साइज़ की बनी है आउटपुट में। और डिटेल्स में जाएंगे यहाँ पर मोर ऑल ऑप्शन में जाने पर, और फिर ये देख रहे होंगे कि अब मैंने यही नाम जो है सेव किया हुआ था न्यू टेक फॉर यू चैनल, और साइज में कन्वर्ट हो गया तो 121 KB की हो चुकी है। पाथ भी आप देखे होंगे कि यही जो है पाथ डिस्क्राइब किया हुआ था वहाँ पर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन का बेल जरूर दबाएँ नए नए टेक्नोलॉजी रिलेटेड अपडेट्स के लिए। थैंक यू।